नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 29वां अध्याय, जो कि इस प्रकार से है। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। उस लोभी के ऐसे वचन सुनकर दूत कहने लगे, क्या तुमने भारी कार्य नहीं किया? हे प्रभो, सबसे उत्तम मास कैसे नहीं जाना? यह पुरुषोत्तम मास नाम से विष्णु का प्रिय है और महापवित्र है। उसमें तुमने ऐसा तप किया है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो सकता। हे महाराज, वन में बंदर के देह में तुमने इसका प्रभाव नहीं जाना। अनजाने में मुख के रोग से तुम्हारा निराहार व्रत हो गया। तुमने बंदरपन की चंचलता से वृक्ष के फल तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिए। उनसे दूसरे मनुष्य तृप्त हो गए और अंदर के बड़े भारी दुख से पानी भी नहीं पिया। इसलिए तुम्हारे अनजाने में बड़ा भारी तप हो गया और फलों को गिराने से परोपकार भी हो गया। इस तीर्थ में 5 दिन गोते भी खाए। इसी से पुरुषोत्तम मास में तुम्हारा स्नान का फल भी हो गया। सो यह सब फल सफल हुआ। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहे हुए अपने भाग्य को सुनकर वह गोलोक को प्राप्त हो गया। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर सब देवता चकित हो गए और पुरुषोत्तम की बड़ाई करते हुए सब अपने अपने स्थानों को चले गए। नारद जी कहने लगे, हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा, पिछले भाग का कृत्य कहा। पिछले भाग का कृत्य कैसे करना चाहिए, कृपा करके यह भी कहिए। श्री नारायण बोले, प्रातः काल को कर्म विधि से समाप्त कर फिर मध्यान्ह काल की संध्या को तिलों से अर्पण करें। अतिथि के लिए द्वार पर देखें, जो अतिथि भाग्य से गौ के दुहने के समय आ जाए तो उसकी पूजा करें। अत्यंत भक्ति से यथाशक्ति अन्न आदि से उसको संतुष्ट करें। भगवान यम कहते हैं कि फिर पूर्व की तरफ मुख करके मौन होकर शुद्ध सुंदर पात्र में अन्न की सराहना करते हुए भोजन करें। पहले स्वाहा के अंत में ओमकार का उच्चारण करें। घी से लपेटे हुए 5 ग्रासों को बिना दांत लगाए जिह्वा से निगल जाएं। फिर मन लगाकर पहले मीठा भोजन खाएं। ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध अभक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को ना खाएं। सूखा बासी भोजन भी अभक्ष्य कहा है। भोजन पर बैठकर श्रेष्ठ मार्ग का विरोध ना करें। श्रेष्ठ शास्त्र के आश्चर्य से परम ब्रह्म श्री कृष्ण का विचार कर फिर बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र आजीविका न हो तब भी एकाग्र मन होकर 2 घड़ी आत्मविद्या का श्रवण करें। फिर यथेष्ट अपना काम धंधा करें और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाले श्री कृष्ण चंद्र का मन में ध्यान करें। सूर्य के अस्त होने पर तीर्थ अथवा घर जाकर पैर धोकर सायंकाल की संध्या करें। सायंकाल की संध्या करके अग्नि को आहुति देकर अनुचरों सहित अल्प भोजन कर बैठ जाएं। भोजन कर तकिया आदि सहित कोमल शैया पर सोएं। गृहस्थी पुरुष सदैव भली प्रकार से गृहस्थ के कर्मों को करें। हिंसा नहीं करनी चाहिए, सत्य बोलना, सब प्राणियों की रक्षा और दया करना, यह सब गृहस्थियों के लिए धर्म कहे गए हैं। तो ये था 29वां अध्याय जो मैंने आपको सुनाया। उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।